तो भैया TVS iQube का अपडेटेड मॉडल आज भारत में फाइनली लॉन्च कर दिया गया है। हो सकता है जब ये वीडियो देख रहे हो तो वो कल हो जाएगा, बट हाँ आज की तारीख 18 मई को इसे फाइनली लॉन्च कर दिया गया है। और लगभग 2 साल हो गए हैं जब इसका ओरिजिनल मॉडल आया था, और अभी भी अगर आप पहली नज़र में से देखोगे वीडियोज़ में या पिक्चर्स में तो आपको लगेगा कि ये तो देखने में तो बिल्कुल सेम ही लग रहा है, सिर्फ कलर्स नए हैं। एक्चुअली सेम ही है, कलर्स ही नए हैं, बस 3 वेरियंट्स आपको ऑफर किए गए हैं, बेस, एस और एस टी, उनमें अलग अलग कलर्स हैं और थोड़े बहुत फीचर्स में डिफरेंस है, बट सिमिलैरिटीज़ अगर पुराने वाले से बात करोगे तो बहुत ज़्यादा है। डायमेंशन सेम है, ग्राउंड क्लियरेंस मोर लेस सेम है, सिर्फ 7 mm का फर्क है, सस्पेंशन का सेटअप सेम है, ब्रेक भी जो है वो भी सेम है और परफॉर्मेंस भी सेम है। तो फिर अलग क्या है? अलग एक्चुअली आपको ज़्यादा रेंज दे दी गई है, जो कि ज़्यादातर लोगों का कंसर्न था कि चाहे परफॉर्मेंस उतनी ज़्यादा ना दो बट एटलीस्ट रेंज ऑफर करो, वो रेंज एंग्जाइटी दूर करो, तो उसी को दूर करने की कोशिश TVS ने की है। क्या ये सफल हो पाए हैं, क्या आपको इसका वेट करना चाहिए, कितना चार्जिंग टाइम आपको लगेगा, कितने यूनिट आपकी खर्च होगी इसे चार्ज करने में, उन सब पर आज हम बात करने वाले हैं। नमस्कार, खमागणी दिव्य सज्जनों, माय नेम इज विकास योगी, यू वॉचिंग एस इन स्टूडियो एंड हियर इज एवरीथिंग दैट यू नीड टू नो अबाउट TVS iQube अपडेटेड मॉडल। तो जैसे कि मैंने कहा था, लुक्स में बिल्कुल सेम है, बस फीचर्स में हल्के फुल्के चेंजेस। जो सबसे बड़े चेंजेस उनमें आपको बता दूं कि भैया जो बेस वेरिएंट है उसमें आपको 5 इंच की TFT डिस्प्ले मिलती है, डिस्प्ले जिसमें सारी इन्फॉर्मेशन आपको नजर आती है, मतलब आप एक तरीके से MID जैसे ले सकते हो, सारी इन्फॉर्मेशन चार्जिंग से रिलेटेड, कितनी रेंज बची है, किस स्पीड पे आप चल रहे हैं, टाइम क्या हो रहा है, टर्न बाय टर्न नेविगेशन, ये सब जो इन्फॉर्मेशन है आपको डिस्प्ले पे नजर आती है। उसके साइजेस में अलग है, आपको बेस मॉडल में 5 इंच की मिलती है, फिर एस वेरिएंट में 7 इंच की TFT डिस्प्ले मिलती है, ऑल कलर डिस्प्ले है, और जो टॉप ऑफ द लाइन वेरिएंट है उसमें आपको 7 इंच की मिलती है बट टच स्क्रीन है, बहुत सारी चीज़ें टच से आप कर पाओगे, प्लस साथ में उसमें 32 लीटर का अंडर सीट स्टोरेज आपको मिल गया है, 2 आप हेलमेट्स उसमें रख सकते हैं, आई थिंक मिड साइज वाले 2 हेलमेट्स आप इजीली रख पाएंगे। तो ये कुछ चेंजेस हैं, बट वो आप किसी भी वीडियो में देख सकते हैं, ब्रोशर टाइप के वीडियोस आजकल बनने लगे हैं, उसमें आपको समझ में आ गया होगा। हम मुख्य मुद्दों की बात करेंगे। सबसे पहले परफॉर्मेंस, उसमें कोई चेंज नहीं, जैसे कि मैंने कहा था वही पहले की, जैसे आपको 4.4 किलोवाट वाली हब माउंटेड मोटर मिलती है, मतलब पहिए पे आपकी मोटर लगाई गई है, वो आपको मिड माउंट नहीं की है या फिर चैसी पे माउंट नहीं किया है, या वो बेल्ट वाली जो हम बोलते हैं बेसिकली, वो आपको नहीं दी गई, अभी भी आपके लिए वही हब माउंटेड मोटर दी गई है, जो कि थोड़ी सी कॉस्ट इफेक्टिव होती है, कॉस्ट बचाने में मदद करती है, और कंपनी की जो अभी तक ओवरऑल स्टडीज़ रही हैं उनके हिसाब से उनकी हब माउंटेड मोटर जो है वो एक शहर के काम के लायक वाले स्कूटर के लिए इनफ है, ऐसा बोलना है इनका। हालांकि अगर आप एथर जाओगे या ओला जाओगे तो वहाँ पे आपको बेल्ट ड्रिवन ज़्यादा एडवांस आपको मोटर्स मिलती है, ज़्यादा पावरफुल आपको मोटर्स मिलती है, बट यहाँ पे पावर का ना ध्यान रख के रेंज पर इन्होंने ध्यान दिया है, जिस पे अब हम आ रहे हैं। रेंज पे क्या ध्यान दिया है, पहले 2.25 किलोवाट आर की बैटरी मिलती थी, अब अगर आप बेस और एस मॉडल लेते हो तो 3.02 किलोवाट आर की बैटरी मिल गई, तो मतलब बैटरी साइज बढ़ाया गया है। और जो ST वेरिएंट है उसके अंदर आपको 4.5 किलोवाट आर से ज़्यादा की बैटरी मिल जाती है, तो वहाँ पे एक बड़ा इंप्रूवमेंट है। इसी वजह से रेंज भी जो है वो चेंज हुई है, जहाँ पे बेस और जो S वेरिएंट है वो 100 किलोमीटर की रेंज आपको ऑफर करते हैं, वहीं पर आपको जो ST वेरिएंट है वो 140 किलोमीटर की रेंज ऑफर करते हैं। अब ये 140 या 100 किलोमीटर की जो रेंज है वो इको मोड में मिलती है, मतलब 2 मोड्स आपको मिलते हैं। इको मोड में 100 किलोमीटर आपको बेस और S देंगे, स्पोर्ट मोड में चलाओगे तो आपको बेस वेरिएंट और S वेरिएंट जो है 75 किलोमीटर की रेंज ऑफर कर देगा, और जो टॉप ऑफ द लाइन वेरिएंट है वो लगभग 110 किलोमीटर की, मतलब ST वेरिएंट 110 किलोमीटर की रेंज आपको स्पोर्ट मोड में भी ऑफर कर देगा। रियलिस्टिकली अगर 90-100 के आसपास भी ऑफर कर दे टॉप एंड वेरिएंट तो बहुत है मेरे हिसाब से स्पोर्ट मोड में, और ये वाला रियलिस्टिकली अगर 60 के आसपास भी ऑफर कर दे, 55-60 के आसपास, तो वो भी बहुत है। बट एक चीज़ काफ़ी अजीब लगी मुझे जब मैंने डायमेंशंस देखे, कि डायमेंशंस में कोई चेंज है ही नहीं है, एक्चुअली लंबाई व्हील बेस सब कुछ सेम है, तो इन्होंने जो बड़ा बैटरी पैक लगाया स्पेशली ST वेरिएंट में, जो कि पहले 2.25 मिलता था रेगुलर मॉडल में, अब डायरेक्टली उससे डबल से ज़्यादा हो गया, तो इन्होंने कहाँ अकोमोडेट किया है उसके बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है। क्या फ्लोर की हाइट को बढ़ाया गया है, क्या इन्होंने इंटरनली और कुछ जो ट्रेडिशनल कंपोनेंट वाली जो चीज़ें थी उनको हटाकर वहाँ पे फिट किया है, तो या तो वो किया है या फिर सेल का जो स्ट्रक्चर है या जो डिज़ाइन है उसमें कुछ चेंज किया होगा, तभी आप इतना अकोमोडेट कर सकते हो। हाँ ठीक है, जो बेस और एस वेरिएंट है उसमें 2.25 से 3 किलोवाट आर आना वो उतना बड़ा चैलेंज नहीं है, जितना लगभग 2.25 से 4.5 किलोवाट आर के आसपास आना वो एक चैलेंज है।
तो वो जैसे ही हमारे पास इन्फॉर्मेशन आ जाएगी हम कम्युनिटी पोस्ट में या हमारे इंस्टाग्राम पोस्ट पे आपको इन्फॉर्म कर देंगे। बट अभी के लिए ऑफकोर्स हमारा मेन कंसर्न रेंज है, तो रेंज पे ही हम फोकस्ड रहते हैं। स्ट्रक्चर में क्या चेंज किए वो आपको कभी बाद में बता दूंगा। बट डायमेंशन में एक और चीज़ आपको जो अलग लगेगी मतलब बाकी चीज़ों से, वो ये है ग्राउंड क्लियरेंस पहले के मुकाबले बड़ा है। मतलब जो पहले आपको लगभग 150 mm का ग्राउंड क्लियरेंस मिलता था, अब 157 mm ज़्यादा नहीं है। बट एक चीज़ यहाँ पे आप नोटिस कीजिए, वो 7 mm की बढ़ोतरी शायद इसलिए की गई होगी क्योंकि एक तो नई बैटरीज लगाई हैं तो गाड़ी का वेट बड़ा है। ST वेरिएंट की अगर आप बात करोगे, स्पेशली इसमें बड़ा बैटरी पैक लगा है, उसका वेट लगभग 10 किलो बड़ा है। अब 10 किलो बैटरी पैक बड़ा है तो आपको थोड़ा बहुत सस्पेंशन को स्टिफ करना पड़ेगा, क्योंकि अगर या तो आप सस्पेंशन का ज़्यादा ट्रैवल दे दोगे तो ग्राउंड क्लियरेंस आपका एकदम लो हो जाएगा, बैठोगे तो एकदम ही कम हो जाएगा, तो आपको थोड़ा सा स्टिफन अप उनको करना पड़ा होगा। तो वो स्टिफन अप जब किया है तो उसी वजह से आपका जो ग्राउंड क्लियरेंस है वो हल्का सा बढ़ गया होगा। बट वो राइड कंफर्ट में कैसा होता है और हैंडलिंग में कैसा होता है वो जब हम चलाएंगे तब बात करेंगे। बट अभी के लिए समझ लीजिए कि सस्पेंशन को थोड़ा सा ट्यून किया है जिससे कि ज़्यादा जो वेट बढ़ गया है बैटरीज का उसको आपके सस्पेंशन ज़्यादा बेटर तरीके से झेल पाएं और इसी वजह से ग्राउंड क्लियरेंस आपका बढ़ गया है। तो भैया बैटरी पैक को बढ़ाया गया है तो आपके दिमाग में सवाल आना स्वाभाविक है कि भैया चार्ज कितनी देर में करेगा, क्योंकि पुराना वाला जो था जो कि कम बैटरी पैक के साथ में आता था वही 7 घंटे ले लेता था 0 to 100% चार्ज करने में, तो अभी वाला तो ज़्यादा लेगा। ऑफकोर्स अभी वाला ज़्यादा लेगा, बट हो सकता है इन्होंने चार्जर्स में कुछ चेंज किया हो। अभी उसके बारे में ज़्यादा इन्फॉर्मेशन इन्होंने नहीं दी है, सिर्फ ये बताया है कि 3 चार्जिंग ऑप्शंस आपके पास में है। एक 650 वॉट का चार्जर है, एक 950 वॉट का चार्जर है और एक 1500 वॉट का चार्जर है जो कि ST वेरिएंट में मिलेगा जिसमें कि बड़ा बैटरी पैक आता है, पर उस पर थोड़ी देर बाद में आते हैं। अभी 650 वॉट के चार्जर से अगर आप चार्ज करते हो 0 to 80% तो आपको लगते हैं 4.5 घंटे के आसपास, पर असली जो समय लगता है मैंने अपने पुराने वीडियो में बताया था आपको कि 80 to 100% करने में ज़्यादा हमेशा समय लगता है, क्योंकि वहाँ पे अगर सेल्स ज़्यादा गर्म हो गए हैं तो उनको कूल करना है, अगर करंट इक्वल नहीं है तो उनको इक्वलाइज करना है, सेल बैलेंसिंग करनी है जिससे कि आपकी बैटरी की लाइफ बेहतर हो, तो उसमें बहुत ज़्यादा टाइम लगता है, वो स्लो प्रोसेस है। तो उसमें एडिशनल 80 to 100% मुझे लगता है कि लगभग 2.5 घंटे के आसपास और लग जाने चाहिए, तो वही 7 घंटे के आसपास आपका चार्जिंग हो गया। पर अगर आप 950 वॉट का चार्जर ले लेते हो जो कि ऑप्शन ये देंगे, तो उसके केस में आपका जो चार्जिंग टाइम है वो काफ़ी कम हो जाएगा। 950 वॉट चार्जर के साथ में आपको 0 to 80% करने में लगेगा 2 घंटे 50 मिनट, और उसके ऊपर 80 to 100% अगेन थोड़ा स्लो होगा, तो वो और आप मान लीजिए कि लगभग 90 मिनट से 120 मिनट में 2 घंटे मान के चल रहा हूँ, तो लगभग आपका 4 घंटे 50 मिनट या 5 घंटे के आसपास आपकी फुल चार्ज हो जानी चाहिए। तो ये तो हो गई आपकी बेस और S वेरिएंट की बात। फिर एक और वेरिएंट है ST जिसमें कि ज़्यादा बड़ा बैटरी पैक है। मैंने आपको पहले ही बताया कि लगभग 4.54 kWh के आसपास का बैटरी पैक है, तो इसीलिए यहाँ पे आपको 2 चार्जिंग ऑप्शन दिए गए हैं। 650 वाला देने का तो कोई लॉजिक बनता ही नहीं था, यहाँ पे लॉजिक है या तो आप 950 वॉट वाला, या फिर अगर आपको थोड़ा सा फास्ट चार्ज करना है तो आप 1500 वॉट का चार्जर ले लीजिए, क्योंकि बड़ी बैटरी है बहुत समय लेगी स्लो चार्जर से, और क्योंकि ये सारे के सारे AC स्लो चार्जर्स ही हैं। हाँ, AC फास्ट चार्जर आप बोल सकते हो 1500 वॉट वाले को, बट टेक्निकली वो भी स्लो चार्जर ही है, तो वो आपको यहाँ पे दिया गया है। तो अगर आप 1500 वॉट वाला चार्जर यूज़ कर रहे हो तो उस वक्त आपको समय लग रहा है 0 to 80% करने में लगभग 2 घंटा 30 मिनट, और 80 to 100% करने में आपको लगेगा अगेन 1 घंटे के आसपास, आप और लगा लीजिए तो लगभग 3.5 to 3.5 घंटे के आसपास आपका वो फुल चार्ज कर देना चाहिए 1500 वॉट का अगर आपका चार्जर है। अगर आप 950 वाला लेते हो तो फिर ऑफकोर्स आपको टाइम लगेगा 0 to 80% करने में बड़ी बैटरी को, उसको वही 4 घंटे से ज़्यादा लगने वाले हैं। फिर आप एडिशनल 2 घंटे 2.5 घंटे और लगा लीजिए तो आपको वही मोटा मोटा 6.5 to 7 घंटे के आसपास पड़ेगा। तो अगर आप ST वेरिएंट ले रहे हो तो आपके लिए ज़्यादा सेंसिबल 1500 वॉट का चार्जर लेना ही है। हालांकि उसकी प्राइस अभी तक हमें नहीं पता है, इन्होंने अनाउंस नहीं किया है, सिर्फ बुकिंग्स ओपन है, बट वो अभी वाले जो दोनों वेरिएंट्स हैं उनसे ईजिली मुझे लगता है कि लगभग 20,000 रुपये के आसपास का फ़र्क आना चाहिए, 20-25,000 के आसपास का फ़र्क आना चाहिए। बाकी जो फाइनल प्राइस आएगी वो हम आपके साथ में शेयर कर देंगे। अब आते हैं आखिरी और बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल पे कि कितने यूनिट आपको लगेंगे अगर आप 0 to 100% चार्ज कर रहे हो किसी भी मॉडल को, चाहे 3 kWh वाला हो S वाला या बेस वाला, या फिर 4.5 kWh वाला हो जो कि आपका टॉप एंड वेरिएंट है, ST वेरिएंट है, तो कितना यूनिट आपका खर्च होगा। तो अगर 3 kWh वाली बैटरी है तो सीधी कैलकुलेशन ये है, 3 यूनिट + 15% आप ऐड कर लो तो आपके लगभग 3.5 यूनिट्स आपकी लगनी चाहिए, और जो 4.5 kWh की है तो 4.5
प्लस 15-20% अगर आप मार्जिन लेके चल रहे हो, जो पावर ट्रांसमिशन लॉस है बेसिकली, या पावर लॉस आप बोल सकते हो, क्योंकि एग्जैक्टली पूरी पावर ट्रांसमिट नहीं होती है, उसमें लॉसेस भी होते हैं, हीट को भी मैनेजमेंट करने में काम आती है कई बार, या बहुत सर्दी के मौसम में हो तो हीटअप करने के एक्स्ट्रा आपकी एनर्जी लग जाती है, तो वो लॉसेज जो हैं ट्रांसमिशन लॉसेज या पावर लॉसेज जो हैं वो लगभग 15% के आसपास आ जाते हैं। तो 4.5 प्लस 15% अगर आप ऐड कर लोगे तो 5.2 यूनिट्स आपकी 0-100% चार्ज करने में लगनी चाहिए। पर यूनिट कॉस्ट जो आपको निकालनी है वो आप निकाल सकते हो कि भैया कि पर यूनिट कॉस्ट आपके शहर में कितनी है, तो उससे आप गुणा कर लीजिएगा। अगर 8 रुपये पर यूनिट है या 10 रुपये पर यूनिट है तो आप अपनी कॉस्टिंग निकाल सकते हो, जो कि ऑफकोर्स बहुत कम है, इनफैक्ट लगभग आधी से कम है अगर आप मुझसे पूछोगे, अगर फ्यूल प्राइसेस की आज की अगर आप बात कर रहे हो। तो यही कुछ है आज के वीडियो में। आई होप आपके जो सबसे मुख्य सवाल थे उनको मैंने एड्रेस कर दिया है, और आपको शायद ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करना और शेयर करना ना भूलिए। इलेक्ट्रिक व्हीकल से रिलेटेड कुछ और सवाल भी आपके दिमाग में हो तो पूछ लीजिए, या एक वीडियो बना देंगे जिसमें आपके सारे क्वेश्चंस जो हैं वो एड्रेस हम कर दें। थैंक यू सो मच पीपल फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।